जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है ये मसानी माता को लेके है। आज मैं कुछ खास जानकारी देने जा रहा हूँ जिसमें कई सारे भक्त मुझे कई तरीके के सवाल करते हैं माँ मसानी को लेके, और उसके बारे में कई बार कंफ्यूजन रहता है। तो जो सवाल है मैं एक एक सवाल के साथ साथ आपको उत्तर देता जाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिएगा जो माँ मसानी के भक्त हैं या फिर अपना काम माँ से करवाना चाहते हैं या माँ के द्वारा करवाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए कि ये किस कौन सी देवी हैं और क्या कार्य करती हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मसानी का माता का इलाज क्या है, है ना। देहात के इलाकों में तो स्मॉल पॉक्स जो चेचक को माता, मसानी, शीतला माता आदि नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि शीतला माता के कोप से ही यह रोग पनपता है, इसलिए इस रोग से मुक्ति के लिए आटा, चावल, नारियल, गुड़, घी, कच्ची लस्सी और के नाम से रोगी जो होते हैं वो श्रद्धालुओं से रखवाया जाता है। यानी कि जो रोगी व्यक्ति होता है तो उनके नाम से आप अगर ये दान पुण्य करते हो, माँ को चढ़ाते हो, तो जल्दी से उस परेशानी से आपको निजात मिल जाती है। थोड़ा सा इनका इतिहास जान लेंगे। माँ मसानी का जो स्थान है वो कभी शमशान घाट हुआ करता था जहाँ दाह संस्कार होता था। यहीं पर एक कुआं था और उसके सामने सड़क थी। बंजारों की टोलियां जब सड़कों से गुजरती थी तो यहाँ लगे बरगद के पेड़ के नीचे आराम करती थी। कुएं के पानी से जो प्यास बुझाने के साथ ही यहाँ स्थापित संकटा देवी की प्रतिमा का पूजन करते थे। धीरे धीरे माँ संकटा देवी मसानी देवी के नाम से प्रचलित हो गई। मंदिर में श्री गणेश, हनुमान जी, संतोषी माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, भगवान शिव, माता पार्वती, भैरव बाबा, नरसिंह बाबा भगवान और साईं बाबा की प्रतिमा श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। ये जिसकी मैंने आपको जानकारी दी, ये राजधानी सादतगंज स्थित हसनगंज बावली में मसानी देवी का मंदिर श्रद्धालुओं को बरबस अपनी ओर खींचता है। माता दीन रोड स्थित पर ऐतिहासिक मंदिर पर नवरात्र पर्व पर सुबह से लेकर देर रात्रि तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। घनी आबादी के बावजूद भी यहाँ आने वाले को कष्ट का आभास नहीं होता। इस मंदिर में दर्शन ज़रूर करें माँ शीतला के अगर भगत हैं तो। ये छोटी सी जानकारी थी माँ शीतला के इतिहास को लेके। अब जो अगला सवाल मेरे पास सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि माता मसानी का भोग क्या है। तो वैसे तो अपने अपने तरीके से लोग उन्हें सात्विक तामसिक कई तरीके के भोग लगाए जाते हैं। पहले क्या होता था, पहले के लोग उन्हें तामसिक भोज से ही पूछते थे, पर अब हम सात्विक भोजन भी देने लगे हैं, सात्विक भोग भी चढ़ाने लगे हैं। तो माता मसानी का जो भोग है वो आज तक देवी को सुअर या शराब का भोग लगाया जाता था। पहले मसानी थान में सुअर और शराब का भोग लगने मात्र से किसी मुगल काल के कट्टरपंथी बादशाह ने पांव रखने की हिम्मत नहीं की। अब भेंट बलि की मान्यता करने वाले इस वग ने एक नई लाइन की शुरुआत मिली। भक्ताई ये सात्विक और तामसिक देवी देवताओं का ये अनूठा गठबंधन था। मसानी देवी कौन है तो इसकी जानकारी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको। और अगला जो सवाल आता है वो आता है कि मसानी कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, माता मसानी ये सभी मसानियों की रानी है। इनके अंतर्गत 360 प्रकार की मसानन होती हैं जो कि इनकी सेवकाओं के रूप में कार्य करती है और इनसे वो अपना कार्य करवाती हैं। चौराहे वाली माता कौन सी होती है ये भी मैं आपको बता दूं। इसे चौराहे पर इसलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ पर चौगान माता होती है। चौगान माता वास्तव में कई जातियों में एक लोक देवी का दर्जा रखती है, इसलिए ये लोग हर खास मौके पर चौराहे पर इनका भोग रखते हैं। चौगान माता के बारे में माना जाता है कि ये माता बच्चों के सभी दोष दूर करती है। अब कई बार ऐसा बोल देते हैं कि हमारे पीछे किसी ने मसान छोड़ दिया है, मसान लगा दिया। मैं आपको बता दूं मसान कैसे लगाया जाता है। मसान का जो है वो सीधा अर्थ लगाया जाता है कि शमशान। शमशान से भाव मृत उपरांत जहां मृत शरीर को अंतिम संस्कार द्वारा पंचभूत में विलीन कर दिया जाए उसे हम मसान कहते हैं। तो शीतला माता किसकी कुल देवी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जाट, गुर्जर समेत कई समाजों में उनकी कुल देवी के रूप में मान्यता है। यहाँ पर ना गुड़गांव
श्री शीतला माता मंदिर से शहर की पहचान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जाट और गुर्जर समेत कई समाजों में उनकी कुलदेवी के रूप में मान्यता है और उनको पूजा गया है। अब पूछा जाए कि शीतला देवी कौन है, तो मैं बता दूं आपको कि शीतलता, जिसे शीतला और शीतला भी कहा जाता है, एक हिंदू देवी हैं जिसे मुख्य रूप से उत्तर भारत में पूजा जाता है। उन्हें देवी पार्वती का अवतार माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि वह चेचक, घावों, घोल, फुंसियों और बीमारियों को ठीक करती हैं और सबसे सीधे तौर पर चेचक रोग से जुड़ी होती हैं। अब सबसे बड़ी माता कौन सी है, ये भी मैं आपको बता दूं। एक मानवीय रोग जिसे बड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है, चेचक, शीतला, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स, एक विषाणु जनित रोग है। अब शीतला माता किसकी पत्नी थी, तो मैं आपको बता दूं कि शीतला माता जो थी वो शक्ति अवतार से संबंध रखती है। इनका जो अस्त्र है वो कलश है, सूप है, झाड़ू है, नीम के पत्ते हैं। जीवन साथी ये किसकी हुई, शिव की, क्योंकि ये शक्ति अवतार है, और इनकी जो सवारी है वो है गर्दभ की। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी है जो आपको ज्ञान होना चाहिए। आप जिस देवी को पूज रहे हो उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है और आपसे पूज रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। शीतला माता का दूसरा नाम क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि शीतला माता प्रमुख रूप से उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई जगहों पर शीतला माता को भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती के रूप में भी पूजा जाता है। अब माता की पूजा में क्या क्या चाहिए, माता की पूजा की सामग्री की लिस्ट भी आप सुन लीजिए। लाल चुनरी चाहिए, लाल वस्त्र चाहिए, मौली चाहिए, श्रृंगार का सामान चाहिए, दीपक चाहिए, घी या तेल में से कोई एक चीज़ चाहिए, धूप चाहिए, नारियल चाहिए, साफ चावल चाहिए, टूटे हुए ना हो, कुमकुम चाहिए, फूल चाहिए, देवी की प्रतिमा या फोटो चाहिए, पान चाहिए, सुपारी चाहिए, लौंग चाहिए, इलायची चाहिए, बतासे चाहिए, मिश्री चाहिए, कपूर चाहिए, फल चाहिए, 7 प्रकार की मिठाई चाहिए और कलावा चाहिए। ये माता की सामग्री की लिस्ट है जो आपको जानकारी होनी चाहिए। ताकि पूजा करनी है तो उसमें क्या क्या लगता है वो भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको एक हवन कुंड चाहिए, आम की लकड़ियाँ चाहिए, काले तिल चाहिए, रोलियाँ चाहिए, कुमकुम चाहिए, अक्षत चाहिए, अक्षत मतलब बिना टूटे फूटे चावल चाहिए, जौ चाहिए, धूप चाहिए, पंचमेवा चाहिए, घी चाहिए, लोबान चाहिए, लौंग का जोड़ा चाहिए, गुग्गल चाहिए, कमल गट्टा चाहिए, सुपारी चाहिए, कपूर चाहिए, हवन में चढ़ाने के लिए भोग, शुद्ध जल यानी ये आचमन करने के लिए आपको शुद्ध जल की आवश्यकता है। नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार भी अर्पित करना चाहिए। तो ये कुछ खास जानकारी है, जिस जब आप पूजा करें तो इस समय आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। शीतला माता की धोक कब लगती है, यानी पूजा कब की जाती है, तो सबसे अच्छा समय है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, शीतला अष्टमी जो हम कहते हैं, के रूप में मनाया जाता है। ये त्यौहार होली के ठीक 8वें दिन पड़ता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है, तो उस समय आप भोग प्रसाद चढ़ाएं, माँ को प्रसन्न करें, माँ की सेवा उठाएं, तो आपके समस्त जिंदगी के जो भी बंधन होंगे, किए कराएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। और दूसरा चीज़ क्या है, अगर आप शीतला माता को जल अर्पित करते हैं, तो जल अर्पित करने से, स्वच्छ जल और साफ जल अर्पित करते हैं, तो उससे आपके रोग, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, वो ठीक हो जाती है। शीतला माता को प्रसन्न करना है यानी कि खुश करना है, तो उनको क्या पसंद है वो भी मैं बता देता हूँ कि ऐसा माना जाता है कि शीतला माता को बासी भोजन ही पसंद है, और इसी वजह से अष्टमी तिथि को बसोड़ा अष्टमी जो मनाई जाती है, वो बसोड़ा अष्टमी जिसके नाम से हम जानते हैं, शीतला अष्टमी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ती है। इस दिन शीतला माता को मीठे चावलों का भोग भी लगाया जाता है। तो एक दिन पहले आप खाना बनाते हैं, जिस दिन शीतला अष्टमी होती है उस दिन आप चूल्हा नहीं जलाते। तो अगर आप बधाई भी विधि से और जानकारी से माँ को पूछते हैं, तो आपकी समस्त मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, समस्त कार्य बनते हैं, कैसा भी बंधन हुआ, कैसा भी किया कराया हुआ, 100% नष्ट हो जाएगा। माँ की पूजा और सेवा अच्छे भाव से उठाओ, बीमारी होगी वो भी तुरंत ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई भी संकट है, कोई परेशानी है, चौकी दरबार में जा जा के आप थक चुके हो, बहुत पैसे लगा चुके हो, डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, और फेसबुक आईडी है देवी भगवती शक्ति के नाम से।
आप तुरंत मुझे मैसेज कीजिए, या मैं रोज़ अभी तो रोज़ नहीं, फ़िलहाल मैं शाम को लाइव आता हूँ वैसे 7 से 9 बजे के बीच में, तो कभी भी जुड़ना हो तो आप डायरेक्ट जुड़ के भी मुझसे सवाल कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ डाट काली।